और वो जितना वो नरम हो इसकी बात ही अलग है। नहीं नहीं उसका वो कद्दूकस के लिए तो फिर आप ये कि उसका जो है वो खीर बनाओ, लौकी की खीर भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, खाया बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी होता है वो कद्दूकस में इस्तेमाल होता है। वरना आप अगर लौकी खा रहे हो तो लौकी ऐसा कि आप उसको आलू की तरह काटो और उसको नरम कर दो, गूदा बना दो उसका, और फिर उसको सालन में आप मिक्स कर दो, तो गूदा वाला सालन खाओगे ना लौकी वाला, ओए ओए बहुत ही लजीज। गाजर के लिए वही होता है, इतना ही होता है। इसी तरह जो वो है टिंडे, सब्जी हो सब्जी कोई भी हो, टिंडे हो लौकी हो तुरई हो, ये नरम होनी चाहिए फिर खाने में मज़ा। और बैगन भी जब आप फ्राई करते हो तो वो भी जो है वो लेट कुछ पाटे को बिल्कुल उसको बच देना, नीचे नहीं कर देना। भिंडी का ये हो कि भिंडा ना हो, भिंडी हो छोटा ना, नहीं इसको आप तोड़ो ट्रैक्टर की आवाज़ आएगी चुटकी की तरह, जितना चुटकी वाला आवाज़ आएगा भिंडी में उतना ही वो ताज़ा होगा, किसी पहचान हम तो इस तरह दिखता है। और नरम वाले में होते फिर आप खाओ तो भी होते कि थोड़ा सा चबाने में मसला आता है। उसकी वजह भिंडी जो खुद है ना वो पानी को छोड़ता है, आप भिंडी को आप एक दिन रख दो बाहर तो भिंडी जो है खुद जो है वो पानी छोड़ देता। यार ये पहले जब फ्रिज नहीं होता ना है सद्दाम भाई, तो जब फ्रिज नहीं होता ना ये जो सब्जियां थी वो कैसे रहती थी घर में थोड़ा बताए। अभी आप सब्जी लेके आते हो घर पे, अब फ्रिज आपका ख़राब हो गया है, फ्रिज नहीं है तो लोग क्या करेंगे, रोज़ की रोज़ बनाएंगे, रोज़ की रोज़ खाएंगे या रख के खाएंगे। अच्छा इसके बाद पहले घोड़ा जब होता था, घोड़े भी जो है मालदार लोगों के पास होते,